वर्ष में अभी तक वो बीज ही नहीं आया, हमने दाने तो बहुत डाले, अब तक वो बीज ही नहीं आया जिसमें फर्टिलिटी थी। अभी तक हो सकता है हमारे नेटवर्क में वो आए नहीं, हो सकता है अभी आज मेरे 10 लाख के चेक लाने के लिए मुझे पता नहीं और कौन से नए बीज आएंगे जिनको मैं नहीं जानती होंगी। Don't expect on the basis which you know. ये मत सोचो कि जिस बंदे को मैं लाया हूँ या लाई हूँ वही बड़े तुर्रे खान निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये चीज के मोती नीचे से आएंगे। तो सोच लो जो 5-6 लेयर ऊपर की है ना, ये सोचते जाओ कि और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, फिर नीचे से ऐसे 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 मिलेंगे जो हमारी लाइफ चेंज करेंगे, जिनको हम जानते नहीं होंगे उनकी भी लाइफ चेंज होगी और हमारी भी लाइफ चेंज होगी। ये देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने ये कहा था कि जहाँ जहाँ से जिस जिस शहर से लोग आए हैं मेरी टीम से वो यहाँ पर आ जाए, और एक भी व्यक्ति का ना मैंने फॉर्म भरा ना मैंने प्लान दिखाया, लेकिन है तो मेरी टीम में, इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे से ही आए, ये वो भी बात क्लियर। तो ऐसे ही कुछ लोग हमारी लाइफ के हैं जो भी हमारी लाइफ में आएंगे, कुछ आ चुके हैं, कुछ डेवलप होंगे। किस तरह से लाइफ बढ़ेगी, कारमा बढ़ेगा, नेटवर्क बनेगा, किसी एक व्यक्ति का नेटवर्क एक दिन में देखा। अगर आज हरीश अरोड़ा जी का 5 लाख का नेटवर्क है तो ताकत पीछे से 15 साल की, अगर मनीष जी का 1 लाख का नेटवर्क है तो ताकत पीछे से है, और अगर आज मेरा 20,000 का नेटवर्क है तो ताकत पीछे से है। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा इसमें पैसा नहीं लगा, नहीं लगा ना, तो तुरंत क्या लगता है कि ना, अरे छोड़ो तुरंत, इट इज वेरी इजी टू से ग्रो। क्या लगा क्या है, अभी आप 20 लाख रुपए लगाओ, छोड़ो, आपके बच्चे ना छोड़े, आपका पति ना छोड़े, माता जी तो घर में पकड़ के बिठाते हैं, 20 लाख रुपए लगा दिए 2 दिन के लिए, आपका कुछ लगा नहीं होता तो डिसीजन लेना बहुत आसान होता है, छोड़ो। बट आप ये भी समझ लो, क्या 1 लाख रुपया कमाना आसान है? आसान है तो इसमें आसान कैसे होगा? ये काम हमने कभी सीखा नहीं, इस काम के बारे में हमें कभी पता नहीं, ना पिताजी ने कभी करा, ना किसी और ने कभी करा, कभी हुआ तो फिर आसान कैसे हो सकता है? अभी तो हमें ही नहीं आता। जब जब आपके दिमाग में ये चीज आए कि यार डिफिकल्ट हो रहा है, लोग नहीं आते, लोग नहीं मिलते, लोग नहीं जुड़ते, जुड़ जाते सस्टेन नहीं हो पाते, जब जब ये प्रॉब्लम आए तब तब एक बात याद रखना, बताओ yes. क्यों बताओ इतने धीरे yes. तब तब ये बात ध्यान रखना कि अभी मेरे में कमी है, अभी मेरे में कमी है, अभी मेरे को सीखना है, अभी मुझे प्लान बताना नहीं अच्छे से आ रहा, अभी मुझे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी मैं शेक होता हूँ, अभी मेरे अंदर ग्रिप नहीं आई, तब तब ये अपने आप को एक अलग ढांचे में रखना, बैक टू बेसिक्स पे आ जाना कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों आ रही है। पहले हो सकता है बिजनेस एकदम चल गया, उसके बाद एकदम समझे नीचे, बहुत कुछ होता है, बिजनेस है ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, लेकिन आपको यही सोचना है कुछ कमी मुझ में रह गई जो मैं बाउंडिंग अच्छी नहीं कर पाया टीम के साथ, कुछ कमी ऐसे रह गई कि मुझे तो आता था, मैंने टीम को कभी प्रमोट नहीं किया कि GMW चलो, अरे वही बात है, वही तो सब कहते हैं, कई बार ऐसा होता है, कहते हैं ना हमारा सिलेबस से है, कभी टीचर ने कहा कि पिछले साल भी मैंने यही बुक पढ़ाई थी, इस साल भी यही पढ़ानी है, कभी आपने कहा कि मेरे भाई ने भी सुना होगा यही बुक तो थी, ये फिर मुझे सुनना है, भाई इसका सिलेबस ही यही है ना। कल मनीष जी भी कहते इतनी मोटी मोटी किताबें हम याद कर लेते हैं 20,000-50,000 के लिए, और यहाँ लाखों करोड़ों की इनकम करनी है, तो एक सेट पैटर्न सिलेबस है, तो उतना ही तो समझना है कि कभी डिमोटिवेटेड होना नहीं है, कभी टीम को डिमोटिवेट नहीं होने देना, एक्साइटेड रखना है, एक्साइटेड रहना है, एक्साइटेड व्यक्ति के साथ हर कोई खड़ा होता है, मानते हैं इस बात को। और एक बात बताऊं जो बड़ी मतलब मुझे बहुत पसंद है, खुश रहना, ये भी मैंने सीखा। आप सोच रहे होंगे कि खुश रहने से क्या सीखने वाली बात है, पर मैं हकीकत बताऊं खुश रहना भी मैंने सीखा,
आप किसी को भी किसी से पूछो, एनी ऑफ कोई एक व्यक्ति, मैम आप खड़े होते हैं, यस यू, तो मुझे लगता है कि इस सामने मुझे संतुष्टि महसूस होती है, वेरी नाइस। आप सर किस बात से? मैम आप किस बात से? आप